इस क्वेश्चन में हमको इस इनइक्विटी को सॉल्व करना है. दिस इज मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सो वी कैन इजिली सी दैट कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है. राइट, दिस इज ए, एक्स क्यूब प्लस वन इज ए. And x square plus x is b. So LHS में तो है mod of a plus b और RHS है mod a plus mod b. And we know the property. कि जो mod a plus mod b है it is always greater equal to mod a plus b. And further mod a plus mod b equal to mod of a plus b होता है if a into b is greater equal to zero, a into b greater equal to zero होता है तो दोनों सेम होते हैं. एंड mod a plus mod b is bigger than mod of a plus b यदि अपोजिट साइन क्यों, यानी a b less than zero. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट यहां पे जो फॉर्म है दैट इज mod a plus mod b equal to mod a plus mod b. So this is possible when x cube plus 1 into x square plus 1, x square plus x, you know, this is a and this is b, should be greater equal to 0. Right? बस अब इस सिंपल सी इनइक्विटी को सॉल्व करना है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x plus 1, x square minus x plus 1, और इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बिकम x plus 1. So x plus 1, x plus 1, ये दो बार आ रहा है. So we have x into x plus 1 whole square. और ये जो x square minus x plus 1 है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं. राइट, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोफिशियंट है माइनस वन उसका हाफ माइनस वन बाई टू और उसका होल स्क्वायर वन बाई फोर एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस विल बिकम x x plus 1 whole square into x minus 1 by 2 whole square plus 3 by 4. So this is always positive, minimum value 3 by 4 है ना. ये भी हमेशा नॉन नेगेटिव होगा है ना, बट x equal to minus 1 को हमको इंक्लूड करना है एंड ऑफकोर्स x equal to 0 को भी इंक्लूड करना है. साइन चेंजिंग पॉइंट्स केवल 0 है ना, तो होल स्क्वायर की वजह से ना तो इसका साइन चेंज हो रहा है और ये तो ऑलवेज डेफिनेटली पॉजिटिव है. सो जब नंबर लाइन पे हम चेक करेंगे सो इस एक्सप्रेशन का साइन केवल जीरो पे ही चेंज हो रहा है. एनीथिंग ग्रेटर देन जीरो इट इज पॉजिटिव एंड लेस देन जीरो इट इज नेगेटिव. सो ग्रेटर इक्वल टू जीरो मींस एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड वी हैव टू इंक्लूड दैट माइनस वन ऑल्सो. सो आंसर इज माइनस वन कर्ली ब्रैकेट यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी. राइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन है दैट इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू मॉड ऑफ टू एक्स माइनस फाइव. तो यदि हम केसेस लेके करना चाहेंगे तो काफी लेंथी होगा. सो वी विल ट्राई टू यूज दिस प्रॉपर्टी जैसा हमने पिछले पार्ट में भी यूज किया था. मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी ए बी प्रोडक्ट ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड मॉड ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी इफ ए बी इज लेस देन जीरो. तो यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इसको ए और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इसको बी मान लेता हूं तो ए प्लस बी इस तरह की टर्म नहीं आ रही ना? तो थोड़ा सा हमको और मैनिपुलेशन करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो वी नो दैट मॉड ऑफ माइनस एम इक्वल टू मॉड ऑफ एम. तो यदि मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट लिखता हूँ मॉड के अंदर देन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट एंड आई कैन गेट टू एक्स माइनस फाइव. तो मैं मॉड ऑफ माइनस एम इक्वल टू मॉड एम होता है इसको यूज करते हुए आई कैन राइट इट इज
right, using this property. Now we can observe that यदि मैं a को x square minus 4x plus 3 ले लूं, और b को minus x square plus 6x minus 8 ले लूं, so this is mod a plus mod b and this is mod of a plus b, क्योंकि add करने पे we are getting 2x minus 5. And by using this property, this is happen, this is possible when AB is greater than 0. That means x square minus 4x plus 3 into minus x square plus 6x minus 8 is greater than 0. So again, इसमें से हम minus sign बाहर निकाल लेते हैं. राइट और यदि हम माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज सो फैक्टर कर देते हैं तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन और यहां पे हो जाएंगे एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू और अब जब नंबर लाइन प्लॉट करके हम देखेंगे तो साइन चेंजिंग पॉइंट होंगे वन टू थ्री एंड फोर x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो एक्सट्रीम राइट पे प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस एंड लेस देन जीरो मींस दीज टू इंटरवल्स विल बी द आंसर सो x बिलोंग्स टू वन टू टू यूनियन थ्री टू फोर राइट सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इसके थर्ड पार्ट में इक्वेशन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू मॉड ऑफ टू एक्स प्लस वन वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इट इज ऑलवेज पॉजिटिव वी कैन शो बाय दिस तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स का कॉफिशियंट वन है उसका हाफ वन बाई टू उसका होल स्क्वायर वन बाई फोर एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे This will become x plus 1 by 2 whole square plus 7 by 4. So its minimum value is 7 by 4. That means ये हमेशा positive ही है तो mod को हम plus sign से ही open करेंगे. Second जो modulus की term है ये भी always positive है. We can show. By this, x coefficient minus 1 है इसका हाफ करेंगे माइनस वन बाई टू देन होल स्क्वायर सो पिछले पार्ट की तरह प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर करेंगे सो यू विल गेट x माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर यानी इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी है थ्री बाई फोर राइट तो ये भी प्लस से ओपन हो जाएगा राइट इसको मैंने एज इट इज लिख दिया नाउ वी कैन ऑब्जर्व एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट एंड दिस इज टू माइनस वन वन तो फाइनली वी हैव एक्स एंड प्लस एक्स टू एक्स प्लस वन इक्वल टू मॉड ऑफ टू एक्स प्लस वन सो ऑब्वियसली वी कैन ऑब्जर्व दैट मॉड ऑफ टू एक्स प्लस वन हैज बीन ओपन विथ प्लस साइन और ये प्लस साइन से कब ओपन होता है जब ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होती है That means we can write 2x plus 1 must be greater equal to 0. That is x is greater equal to minus 1 by 2. So answer of this part is x belongs to minus 1 by 2 to infinity. This is the answer.